तूफान में झूलते प्लेन ने पहले छुआ रनवे और फिर किया टेक ऑफ। पूरा यूनाइटेड किंगडम यूके इस समय तूफान एरिक का सामना कर रहा है। 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली हवाओं ने देश को परेशान करके रखा है। इस बीच शुक्रवार को एक ऐसी घटना हुई है जिसने न सिर्फ लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया है, बल्कि उसकी वजह से हवा में कई लोगों को जान आपत में आ गई थी। यह घटना ब्रिटेन के लंदन स्थित हीथ्रो एयरपोर्ट पर हुई है, जहां पर एक पायलट तूफान के बीच हुई एयरक्राफ्ट को लैंड कराने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसने कुछ ही सेकंड्स में अपनी फ्लाइंग स्किल्स का प्रदर्शन किया और प्लेन को टेक ऑफ करा डाला। हवाओं ने डाली मुश्किल। शुक्रवार को दुनिया के मशहूर और बिजी एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को लैंडिंग के समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तूफान की वजह से चल रही हवाओं ने लैंडिंग में काफी मुश्किलें पैदा की। ट्विटर पर आए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे हवाओं की वजह से प्लेन में हवा में झूल आ रहा है। इन्हीं तेज हवाओं के बीच पायलट को लैंडिंग भी करानी थी। हालांकि प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए रनवे पर टच डाउन करता है, लेकिन रनवे को छूकर बस कुछ ही पलों के अंदर यह फिर से टेक ऑफ कर जाता है। पायलट को मिली तालियां। इस वीडियो को बिग जेट टीवी की ओर से इसके एलीट चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया है। पायलट को उसके साहसिक काम के लिए लोगों की तालियां मिल रही हैं। इस क्लिपिंग के नीचे कैप्शन दिया गया है, टोगा बहुत बढ़िया। पायलट टोगा एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका एविएशन इंडस्ट्री में मतलब है टेक ऑफ गो अराउंड। इस शब्द का प्रयोग उस समय होता है जब प्लेन की लैंडिंग के लिए स्थितियां अस्थिर होती हैं। टीम ने लिया साहसिक फैसला। सीनियर फर्स्ट ऑफिसर स्कॉट बैटेमैन MB ने उन स्थितियों में होने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी। इस फ्लाइट ने हालांकि बाद में सुरक्षित तरीके से लैंडिंग की। स्कॉट बैटमैन ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम ने हवाओं के बाद प्लेन की लैंडिंग को लेकर एक सही फैसला लिया, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित भी रहा। यूके और आयरलैंड तूफान से परेशान। यूके और आयरलैंड दोनों ही इस समय तूफान एरिक से जूझ रहे हैं। इस तूफान की वजह से हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आयरलैंड का पश्चिमी तटीय इलाके पर इस तूफान का सबसे बुरा असर पड़ा है। मौसम विभाग की ओर से यहां के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा हो सकती है।